अस्सलामुअलैकुम। अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ फॉसिल्स। अब हम आप भी सोच रहे होंगे कि ब्यूटी तो इतना सिंपल सा वर्ड है, वही चीज़ें या खूबसूरत होती हैं या नहीं होती। लेकिन बात यह है कि अगर आप ब्यूटी को जब आपने पढ़ना शुरू किया तो आपको पता चलता है कि उसके इतने सारे एस्पेक्ट्स, इतनी सारे एंगल्स हैं, और वो एंगल्स जो हैं, लेट्स से 10 एंगल्स हैं, तो वो 10 एंगल्स मिल के आपको बताते हैं कि असल किसी भी चीज़ में क्या चीज़ आपको प्लेजर देती है, क्या खूबसूरत चीज़ है, और उसी की वजह से कि कितने उसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं, कितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, उसी की वजह से आप डिसाइड करते हैं कि चीज़ कितनी ज़्यादा या कितनी कम खूबसूरत है। इसी को आप कहते हो कि एक एजुकेटेड सेंस होना ब्यूटी की, बजाय इसके कि बस ये कह देना बस हाँ जी है ही खूबसूरत ना, मसला क्या है, ऐसे नहीं है। तो ये देखते हैं कि फॉसिल्स जो होते हैं उनकी उसमें क्या खूबसूरती होती है। पैलियो बायोलॉजी एक फील्ड है रिसर्च की। अब हो सकता है ये सारे नाम आपके लिए नए नए हों, तो ज़रा जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि उनका मतलब क्या है। पैलियो बायोलॉजी, या उसका ये स्पेलिंग भी है, इज़ अ डिसिप्लिन विच कम्बाइंस द मेथड्स एंड फाइंडिंग्स ऑफ द लाइफ साइंस बायोलॉजी विद द मेथड्स एंड फाइंडिंग्स ऑफ अर्थ साइंस प्लैनेटोलॉजी। जैसे जैसे आप साइंसेस के अंदर जाते हैं, एक एक साइंस के अंदर पूरी पूरी दुनिया आबाद है, एक एक डिसिप्लिन के अंदर पूरी पूरी दुनिया आबाद है। फिर जब वो दुनिया को आप खोलेंगे तो पता चलेगा उसके अंदर मज़ीद दुनियाएं हैं। इसीलिए तो आप कहते हैं कि नेचर की ब्यूटी इज़ सो अनलिमिटेड कि जब तक आप पता ही नहीं करेंगे, आपको असल असल उसके जो है ना वो निखर के चीज़ें नहीं सामने आएंगी। तो ये समझें कि दो साइंसेज हैं जिसका कॉम्बिनेशन जो है ना वो पैलियो बायोलॉजी है। एक तो ये कि जी जो आपकी बायोलॉजी होती है सीधी सीधी के बॉडीज़ और जो लिविंग बींग्स हैं उनकी जो साइंस होती है वो, और फिर ये कि जो आप खोदा खादी करते हो ज़मीन के अंदर से, जो पुरानी पुरानी चीज़ें आप निकालते हैं जो तकरीबन पत्थर बन गई होती हैं, उन चीज़ों को निकालते हो, उनकी स्टडी करते हो, तो आप उसको कहेंगे पैलियोन्टोलॉजी। और इस फील्ड को, पैलियोबायोलॉजी को जियो बायोलॉजी भी कहते हैं। अब ये ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाली बात है। जियो मतलब अर्थ के अंदर जो चीज़ें दबी हुई हैं और जब वो वापस आएंगी निकलेंगी तो आप उसको कह सकते हो कि उसकी साइंस, और बायोलॉजी यानी ज़मीन के अंदर से निकली हुई उन चीज़ों की साइंस जब आप स्टडी करें जो जिंदा थी कभी, उसको आप जियो बायोलॉजी कह सकते हो। ये बड़ा आसान सा इसका मीनिंग है। ऑब्वियसली इसके मीनिंग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अगर आपने स्टडी करनी हो, लेकिन हमारे लिए इतना काफ़ी है। अब जियो बायोलॉजी क्या होता है? जियो बायोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च दैट एक्सप्लोर द इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल अर्थ एंड द बायोस्फेयर। अब बायोस्फेयर आपने पढ़ा है, बायोस्फेयर का मतलब है कि कोई भी दुनिया का एक ऐसा सिस्टम, बहुत बड़ा सिस्टम, जिसमें हर तरह के जानदार एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हों कि वो एक दूसरे की खुराक भी बनते हों और एक दूसरे को ज़िंदा रखने का ज़रिया हो। उसी में पानी भी होता है, हवा भी होता है, और उसी में सारे आपके पौधे, सारे बैक्टीरिया, सारे जानवर, हर किस्म के जानवर है, उसको आप कहते हो बायोस्फीयर। यानी एक समझे कि इकोलॉजिकल बहुत बड़ा सा सिस्टम। और जो फिज़िकल अर्थ, अब अर्थ को हम समझते हैं डेड है, एक लिहाज से डेड है, लेकिन एक्चुअली वो भी बदलती रहती है। तो समझें कि जब एक ऐसी जगह जिसमें बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स हैं और वो अर्थ के ऊपर है, तो इन दोनों का जो आपस में जो ताल्लुक है ना, कि चीज़ें किस तरह जिंदा हुई, किस तरह मर गई, मरने के बाद ज़मीन में कैसे गई, फिर ज़मीन में से उसने दूसरी चीज़ों को कैसे नरिश किया, तो ये समझें कि ज़मीन के अंदर दफन होने की जो साइंस है, जो जिंदा चीज़ों की साइंस है, उसको आप इजीली जियो बायोलॉजी कहते हैं। पैलियो बायोलॉजिकल रिसर्च यूजेस बायोलॉजिकल फील्ड रिसर्च ऑफ करंट बायोटा एंड फॉसिल मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड टू आंसर क्वेश्चन अबाउट मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ। बात यह है कि वो फॉसिल्स निकाल के आपने करना क्या, करते आप ये हैं कि आप उन लाइफ फॉर्म्स के बारे में, यानी उन जिंदा चीज़ों के बारे में मालूम लेते हैं। ऑब्वियसली देखने से तो आपको मालूम हो ही जाती है कि वो शक्ल में देखने से क्या थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो असल डीपर मालूम है वो ये कि उनकी जो मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन है, कि किस तरह वो बिल्कुल ही छोटे लेवल पे कोई भी नस्ल एक नस्ल से दूसरी नस्ल में चेंज होती है, या जो उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है कि जो भी चेंज जैसे भी आया है उसको जो स्टडी आप करते हो ना, असल में वो सबसे बड़ी उसकी चीज़ जो उसकी वैल्यू है वो है। जो अगली स्लाइड है वो है एक टायरानोसोरस। एक डायनासोरस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको उनमें से एक ये टाइप है जिसको ट्रिक्स भी कहते हैं, और ये लाइडन एक जगह है नेदरलैंड्स में, वहाँ पे डिस्प्लेड है। अच्छा, अब ये काफ़ खासा बड़ा है। अब
यही देखे ना कि एक चीज़ जो ज़िंदा थी फिर दफन हो गई, हज़ारों लाखों साल वो दफन रही, फिर वो निकली। तो जब वो निकली तो हमें पता चला कि जी ये इस नस्ल की तो कोई भी चीज़ आज ज़िंदा नहीं है। यानी हमें ना सिर्फ ये पता चलता है, सबूत मिलता है, पूरा ये सबूत है कि इस साइज़ के, इस नस्ल के, इस कैटेगरी के जानदार जिंदा थे। और दूसरी बात, फिर जब आप इनकी हड्डियों या जो भी इसके चीज़ें निकलती हैं उसके अंदर से जब स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये नस्ल कहाँ से चली, कैसे गई, क्या इसका हिसाब किताब था। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ सैम्पल्स हैं जो कि हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये प्रॉब्ली जो सबसे पहले एक्सकवेशन हुई होंगी ना, कि जब सीधी सी बात है, एक चीज़ खोदी और इतनी बड़ी बड़ी अजीबो गरीब हड्डियाँ जो कि इंसानी हड्डियों से बहुत फ़र्क है। अब आप देखें कि इस वक्त जो भी जानवर जिंदा है उसमें सबसे बड़ा हाथी या शार्क होगी, वेल होगी। और वेल का काम तो यहाँ पे नहीं है, हो सकता है वैसे वेल का भी फॉसिल ज़मीन पे निकल ही आए कभी, मुझे नहीं पता वैसे इसके बारे में, हो सकता है निकला हुआ। लेकिन आप तवक्को करते हैं कि ख़ास साइज़ के ही फॉसिल निकलेंगे, क्योंकि इस वक्त ज़मीन पे इंसान और इंसान से ज़्यादा ज़्यादा डबल साइज़ की चीज़ें हैं। अब आपके पास कोई बहुत बड़ी सी, इंसानों से बड़ी हड्डी, फ़र्क तरह की चीज़ निकलती है तो वो ऑब्वियसली एक बड़ी फाइंड होती है। अब ये देखें, अब ये बड़ी पुरानी तस्वीरें हैं, ये अब इंसान का साइज़ देखें इसमें। इस साइज़ की चीज़ें सोचना भी हमारे लिए आज की दुनिया में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे से बड़ा जो है हाथी वो इतना बड़ा होगा, ज़्यादा जो वेल है वो इतनी बड़ी होगी, हो सकता है वेल्स वैसे 100 100 फुट की भी होती हैं, इतनी बड़ी हो। लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसके आपको लग रहा है कि यहाँ पर है, कि जो उड़ती फिर रही है, और उसका साइज़ फिर उसके हिसाब से उसका वज़न और ये सारी चीज़ें, ये हम इंसानों के लिए इंतहाई अजीबो गरीब और बहुत बड़ी फाइंडिंग है। क्योंकि अगर हम ज़मीन के नीचे ना जाते तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही ना होता कि इस किस्म की और इस साइज़ की और इस नस्ल की कोई चीज़ मौजूद भी है। असल में फॉसिल्स की ये खूबसूरती है। अब ये देखें कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़मीन के साथ जुड़ चुकी हुई होती हैं कि उनको अलग करना भी एक बहुत बड़ा मरहला होता है, बड़े साल लगते हैं। किसी भी इस तरह की हड्डी जो कि दफन होके मिट्टी के साथ ही जुड़ के वो पत्थर की शक्ल में, जिसको ऑसिफाई होना होता है, वो जब बन रही होती है तो ये समझे कि फिर पत्थर का पार्ट ही बन जाता है। कई दफ़ा सिर्फ रंग की वजह से ही आपको फ़र्क नज़र आता है कि हाँ यहाँ कुछ है। तो फिर इसको जब आपने अलग करना होता है तो वो एक अच्छा खासा जो है ना, काफ़ी वो एक पूरा साइंटिफिक डिसिप्लिन है कि किस तरीके से आप असल एविडेंस को नुकसान पहुंचाए बगैर आप उसको निकालें। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि नेशनल ज्योग्राफिक ने शेयर किए हैं, तो मैं आपसे शेयर करें। अब आप अंदाज़ा करें इसके साइज़ का पूरा बैकबोन निकली हुई है। फिर कई चीज़ें होती हैं जो कि आप पत्थर के अंदर इतनी ज़्यादा एम्बेडेड हैं कि पत्थर से अलग करना इसको खासा मुश्किल है। तो फिर इसके ऊपर जो तहकीक होती है वो बड़े लेवल्स पे होती है, कि पहले इसी लेवल पे हो जाएगी कि ये पत्थर के अंदर ही एम्बेडेड है, अगर ज़रूरत महसूस करते हैं तो फिर वो पत्थर से अलग करते हैं। मतलब हर जग हर जो लेवल होता है इसकी एक्सकवेशन का, तो हर लेवल की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ताकि अगर अगले स्टेज पे अगर कोई नुकसान हो जाए तो पिछले पिछले सारे सबूत मौजूद हों। ये देखें, अब ये बस तस्वीरें देखें आप। अभी इनके नाम बड़े साइंटिफिक हैं, बड़े मुश्किल है। सैनोसॉरोपटेक पेरेटेक्स प्राइमा, ये भी एक कैटेगरी होगी डायनासोर्स की, जो कि चाइना से बेसिकली निकला है, और ये 96 में निकला था। और सबसे बड़ी इसकी बात यह है कि ये सबसे पहला जो फेदर डायनासोर है ना, परों वाला डायनासोर निकला है। कम से कम अभी तक की फाइंडिंग में हमें जो सबसे पहला ऐसी एविडेंस मिली है कि हाँ इनके पर भी थे, ये उड़ते भी थे, ये वो था। अब ये देखें, इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, और ये तकरीबन जैसे ये लगता है जैसे मार्बल जितना सख्त पत्थर है, इस जैसे पत्थर के अंदर ये एम्बेडेड है कि आप इसको अलग करना अच्छा खासा दुश्वार है। फिर जो आपकी ऑब्वियसली जब आपकी चीज़ निकली तो आपको साइज़ का भी पता चल गया, तो उसके साइज़ को हम इंसान की बॉडी के कंपैरिजन में हम देख लेते हैं कि इसको एक एवरेज इंसान के हिसाब से किस साइज़ का है। ये देखें, फिर कंपैरिजन में भी कि जो भी आपके निकल रहे हैं उसको आप उसी कंपैरिजन के लिहाज से देखते हो कि इनकी कितनी
क्या साइंस की आपस में ताल्लुक क्या है। इसी समय ये भी पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला इसकी खुराक तो नहीं हो सकता, ये वाला इसकी खुराक हो सकता है। इस तरह की चीज़ें करने का फ़ायदा ये है कि जिस तरह की इकोलॉजी इकोलॉजिकल सिस्टम हमारे यहाँ पे है इस वक्त, कि हमें पता है कि हम मछली को खाते हैं, मछली हमें नहीं खाती, तो वो जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उस ज़माने का, जिसकी इस वक्त हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, ये दुनिया ही कोई और थी, ये दुनिया ही ऐसी थी जो कि किसी इंसान ने अपनी आँख से नहीं देखी। तो उस ज़माने की दुनिया को अगर आप सोचें कि अच्छा वो दुनिया वर्क कैसे करती थी, काम कैसे करती थी, उसके इकोलॉजिकल सिस्टम्स कैसे थे, वो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉसिल से ही आपको उसकी एविडेंस मिलती है। इसीलिए इस साइंस को स्टडी करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। इन चाइना देर आर फॉसिल्स ऑफ अर्ली बर्ड्स टू, सच एज दीज डेलिकेट एंड ब्यूटिफुल स्पेसिमेंस ऑफ 120 से 125 मिलियन ईयर ओल्ड स्पीशीज़। इसको कहते हैं कन्फ्यूशियो कॉर्नस। कन्फ्यूशस प्रॉबली चूँकि चाइनीज़ वर्ड है, इसलिए यहाँ से चाइना से जो चीज़ें निकली होंगी उसको उसी के नाम के ऊपर उसका नाम रख दिया गया। दिस बर्ड हैज़ टू लॉन्ग रिबन लाइक टेल फेदर्स। अच्छा कमाल की बात यह कि ये उड़ने वाला है, ये जो नई फाइंड मिली है 120 मिलियन साल पुराना है, और इसके पीछे दुमे भी हैं, दो ऐसे फेदर्स हैं कि वो लगता है कि जैसे दुमों की तरह, ऐसे ही जैसे बर्ड ऑफ पैराडाइज के पीछे दो लगी हुई होती है। तो ये भी चाइना से निकला, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, मुझे नहीं पता कि ये जो बॉडी है ये इसका गोश्त था, ये तो नज़र आ रहा है कि ये हड्डी थी, तो लेकिन अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये शायद इसके पैर या गोश्त या इसकी पूरी बॉडी होगी। तो वही बात कि जो अब आपको ये एविडेंस मिलती है उसकी बेस पे, जो भी आपकी कई कई दफ़ा चीज़ें होती हैं वो आपको नज़र नहीं भी आ रही होती, लेकिन कार्बन डेटिंग से आपको पता चल जाता है। कार्बन के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि ये यहाँ भी कुछ और था, मतलब टेस्टिंग के बहुत तरीके हैं। उससे जब आप रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि अच्छा ये परिंदा असल में कैसे होगा, तो वो ऐसा होगा। अभी देखिए कितना अजीब परिंदा है, कि देखिए इसके आगे वाले भी फुल इसके शिकार वाले इसके पाँव हैं। आम तौर पे अब हमारे इन जो परिंदे हम अब देखते हैं उसमें ये दो हाथ नहीं होते, उनमें तो सिर्फ पैर होते हैं। अब आप देखें कि ये कितनी बड़ी फाइंड है, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ आप फॉसिल की स्टडी से मिलेगी। तो मुझे ये बताएं, जब हम चैप्टर खूबसूरती का पढ़ रहे हैं, तो हम इसका मतलब है कि साइंसेज हमें परमिट करती हैं ऐसी ऐसे फैक्ट्स भी आपके सामने लाना जो कि इस वक्त इंसानी नस्ल की जो जनरल नॉलेज है उसमें नहीं है। इसका मतलब है कि इस वक्त जो आपकी जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, हमारे पास निस्बतन कम चीज़ें हैं खूबसूरत या बदसूरत करार देने के लिए। अगर हम टाइम में और पीछे जाएंगे तो हमें इस किस्म की और चीज़ें भी नज़र आएंगी, जिसकी बेस पे हम अपनी खूबसूरती या बदसूरती का जो कहते हैं ना पैरामीटर्स, जो एग्जांपल्स हैं, वो मज़ीद सेट करेंगे। इसी वजह से साइंसेज इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वो आपकी, हम जिस छोटी सी डबिया में रह रहे होते हैं अपनी एक्सपीरियंस की, साइंसेस आपको उस डबिया से निकाल के आपको बड़े डब्बे में बड़ी जगहों पे लेके जाती हैं, ताकि आपको पता चले कि दुनिया में और क्या क्या चीज़ें थी। तो फिर जब आपके पास ये एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, इसकी बेस पे फिर आप डिसाइड करते हैं। जैसे मुझे इससे पहले अगर नहीं पता था और मुझे अब पता चला है, तो अब मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि हाँ, अगर मुझे कोई कहे कि एक कोई इमेजिनरी दुनिया का खूबसूरत तरीन और तेज तरीन परिंदा बनाओ, तो मेरे पास ये ऑप्शन भी है कि हाँ, इसके परों के अंदर भी पाँव हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि खूबसूरती के अलावा हमारी इमेजिनेशन को भी जो साइंसेज है ना वो मवाद प्रोवाइड करती हैं। ये देखें, ये काफ़ी सारी ड्राइंग्स इसकी की हैं लोगों ने। अब ये देखें, ये भी उसी परिंदे का एक फॉसिल है। ये देखिए, ये इसके वो दो लंबे पर हैं जो दुम में आते हैं। अब अंडों को देख लेते हैं, अंडे भी बहुत निकलते हैं। जो अगली स्लाइड है, दीज एग्स बिलोंग टू सॉरपॉड्स। ये भी एक तरह के डायनासोर्स हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं, उनके अंडे हैं। और समझे कि ये वाले जो सॉरपॉड्स जो हैं वो दुनिया के बड़े तरीन लैंड एनिमल्स में से हैं, कि यानी ज़मीन पर चलने फिरने वाले जो जानवर हैं उनमें सबसे बड़े फ़िलहाल। आगे साइंटिफिक डिस्कवरी होगी, हो सकता है उससे भी बड़े निकले।
तो फिलहाल जो ज़मीन पे चलने वाले सबसे बड़े जानवर हैं वो सॉरोपॉड्स हैं, जिसके अंडे आ गए। अब ये भी सोचें कि अगर इतना बड़ा, कि ज़मीन का सबसे बड़ा जानवर है अभी तक के लिए जो हमें डिस्कवर हुआ है, वो बच्चे नहीं दे रहा, अंडे दे रहा है, इसका क्या मतलब है? अब ये देखिए ना कि ये माइंड ट्विस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि आपको आज की दुनिया में बैठे हुए आपको नहीं पता चलते। हम तो यही समझते हैं कि जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, जैसे वेल भी, अगर तैरने वाला भी जो सबसे बड़ा जानवर है वो भी बच्चे देती है, इसका मतलब है वो भी मैमल है। हमारे भी जितने बड़े बड़े जानवर हैं सारे मैमल्स हैं, परिंदा तो हमने कभी इतना बड़ा देखा ही नहीं, लेकिन अगर वो अंडे दे रहा है तो या वो रेप्टाइल होगा, यानी जो छिपकली फैमिली है वो भी अंडे देती है, या वो परिंदा होगा क्योंकि परिंदा भी अंडे देता है। अब ये देखें कि सबसे बड़े जानवर ने अंडे दिए। दीज एग्स हैव बी फाउंड हैव बिन फाउंड फ्रॉम स्पेन एंड फ्रांस एंड टू अर्जेंटीना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स टू चाइना, की यानी तकरीबन दुनिया की हर जगहों पे ये अंडे मिले। स्पेन, फ्रांस जो है यूरोप में है, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स चलो साउथ अमेरिका के साथ ही है, एक ही कॉन्टिनेंट है। अब चाइना कितना दूर है? वो तो बहुत दूर है, चाइना तो यूनाइटेड स्टेट से भी दूर है और यूरोप से भी दूर है, बिल्कुल ही दूसरी तरफ है। इसका मतलब ये है कि इसी नस्ल के डायनासोर पूरी ग्लोब पे फिर रहे थे। अब ये भी देखिए कितनी बड़ी फाइंडिंग है। दीज एग्स आर टिपिकली राउंड एंड अबाउट साइज ऑफ अ ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट के साइज के अंडे, ये देखिए। अब हाथी से इस जानवर का कंपैरिजन करें, इसको ड्रेटनॉट्स कहते हैं, ये भी 85 फीट ऊंचा है, नहीं यहाँ से लेके टेल तक 85 फीट इसका बनता है, लेकिन बार आप चार हाथी लगा लें तो अब आप अंदाज़ा करें कि ये क्या है। ये देखें, ये उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन की हुई है कि हाँ इसके अंदर अगर बच्चा होता, जैसे ही पीछे इसके अंदर एक निकला है, ये देखें ये भी फॉसिल है, तो अब वो बच्चा उसके अंदर कैसे होगा ये। अब ऑब्वियसली आप कोई चीज़ निकालते हैं साइंस की तो उसको रिप्रोड्यूस करते हैं देखने के लिए, और दूसरी बात है दूसरों को दिखाने के लिए कि अच्छा ये कैसे हो सकता है। अच्छा, ये जो अगली पिक्चर है ये भी एक बड़ी स्पेशल पिक्चर है, क्योंकि ये आर्मर्ड प्लेट्स दिखाती है कि जो जैसे जिसको हम चाने कहते हैं, या जो छिपकलियों के बाहर उनकी सरफेस पे प्लेट्स टाइप चीज़ें लगी होती हैं जिससे वो अपने आप को बचाते हैं, तो वो समझे कि जो सबसे बड़ा हमारा डायनासोर आज तक मिला है, जिसकी ये जो टफ डिफेंसिव एक्सटीरियर है, कि यानी ये जो ऊपर मछली के ऊपर भी जैसे चाने लगे हुए होते हैं, पर्स से लगे होते हैं, वो उनका एक्सटीरियर होता है ताकि वो उनके अंदर नरम गोश्त को बचाए, तो ये एक पूरा का पूरा फॉसिल जो है एंकलोसॉर्स एक टाइप ऑफ डायनासोर है, और उसको उसका नाम जो है अच्छा खासा मुश्किल है, बोरला पल्टा और मार्क मैशली, ये बोरल पल्टा मार्क मैशली मैं बिल्कुल गलत प्रोनाउंस कर रही हूँगी, बट ये उसका उन्होंने नाम दिया हुआ है। मार्क मैशली जो है वो बंदा था जिसने ये चीज़ निकाली, जिसने ये फॉसिल डिस्कवर किया। इसकी खासियत ये है कि इसका जो एक्सटीरियर है, जो इसके ऊपर चाने बने हुए हैं, वो बड़े ये देखें। अब ये इस तरह की जो प्रोजेक्शंस हैं वो ये हैं, जैसे देखे ना इसके ऊपर भी है, कि ये वो समझे कि जैसे छोटी छोटी प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर लगी हुई होती हैं, कि इसकी वजह से अंदर की बॉडी बची रहे, तो ये वाहिद है जिसकी बड़ी अच्छे तरीके से ये प्रिजर्व हुई है, यानी हमें अब इसमें अंदाज़ा नहीं करना पड़ा, हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है कि इसकी स्किन कैसी है, और फिर अक्सर इसके अंदर से आपको इसकी वो भी नज़र आता है, स्ट्रक्चर भी नज़र आता है। तो इस मुश्किल से नाम वाले डायनासोर की खासियत ये है कि इसने आपको इस तरह की स्किन दिखा दी। अब आगे कुछ और भी फॉसिल्स देख लेते हैं। देखें, ये बहरी है, ये मुझे लग रहा है मछली है, कोई लंबे से मुंह वाली, ये देखें मछली है। मछलियाँ जो है ना वो काफ़ी अनचेंज्ड हैं, यानी पानी के अंदर जो रहने वाली चीज़ें हैं उस वो भी ऑब्वियसली बहुत पुरानी है। अब ये देखें ना, ये मछली के बच्चे जो हैं ये, अब आई डोंट नो कि ये कितने फ्लो के साथ जा रहे थे और एकदम फ्रीज हो गए, ये भी एक मिस्ट्री है कि आखिर इतने तरीके से, मतलब लग नहीं रहा कि डर के फैल रहे हैं, ये तो लगता है बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में ऐसे ही चलते हैं, और इसी तरह ये फ्रीज भी हो गए, इसी तरह जम भी गए, इसी तरह कुछ इनके ऊपर ऐसी कयामत आ गई कि ये उनको डर के बिखरने का मौका ही नहीं मिला, और ये ऐसे बिल्कुल ऐसे ही फ्रीज हो गए, दब गए या क्या हो गया। लेकिन बेसिकली इनकी जो छोटी मछलियाँ हैं, इनकी
शक्ल कुछ ऐसी एक जैसी है, मतलब आजकल भी आपको ऐसी ही नज़र आती है, तो देखने में ये आता है कि जो पानी वाली चीज़ें वो बहुत ज़्यादा नहीं बदली। ये देखें, ये इस नस्ल की आपको आज भी ऐसे ही नज़र आती है, बल्कि हम खाते भी हैं इसी किस्म की। फिर एक फील्ड है पैलियो बॉटनी की, ये तो देखिए ना, जिंदा जानवरों की चीज़ें, सारे जानदार हैं, बायोलॉजी वाले हैं, लेकिन पौधों की जो फील्ड है जिसमें आप पौधे निकालते हो, पौधों के फसल निकालते हो, उसको पैलियो पैलियो बॉटनी कहते हैं। बहुत पुराने पुराने दरख्तों के जो फॉसिल हैं वो भी इसी तरह जम के पत्थर के अंदर पत्थर ही हो जाते हैं, लेकिन जब वो निकाले जाते हैं, उनको काटा स्लाइस करके इसमें से इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, तो आपको पता चलता है कि ये भी एक नई दुनिया आबाद है। ये देखिए पत्ते हैं, अब इससे ये लगता है जैसे वो कोन होती, जैसे अनानास या कोनिफर्स या इस तरह के जो फल होते हैं जिनके ऊपर इस किस्म की चने होते हैं, ये उसका फॉसिल लगता है। अब इससे पता क्या चल रहा है, पता ये चल रहा है कि हो सकता है, अब ये मैं बिल्कुल एक कम नॉलेज वाले बंदे की बात कर रही हूँ, लेकिन इससे हमें इस किस्म की चीज़ों की एविडेंस मिलती है फॉसिल से कि हाँ, किस पौधे को जिसको हम आज भी खा रहे हैं उसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है, कि यानी इसका मतलब है कि वो तो 2 मिलियन सालों से बदला ही नहीं, या आप कहते हो कि अच्छा ये तो बिल्कुल ही कोई नया है, जैसे फॉसिल बिल्कुल डायनासोर बिल्कुल हमारे लिए अनहोने हैं, लेकिन मछलियाँ बड़ी फेमिलियर हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ इवॉल्व हुई है, चेंज हुई है, कौन सी डिस्टिंक्ट हो गई है यानी बिल्कुल ही गायब हो गई है, और कौन सी तब्दील हुई है। ये भी देखें, ये भी एक पत्ता ही है, सवाल ये कि फॉसिल्स हम हमने देख लिया, अब उसमें ब्यूटी क्या है। इसमें दो बहुत मेजर, यानी इन मेजर को भी आप ब्रेक डाउन करें तो बहुत सारी निकलेंगी, लेकिन दो मेजर खूबसूरतियाँ हैं। पहली ये है द प्रूफ ऑफ सस्पेक्टेड ट्रूथ विच कुड नेवर बी सीन अदरवाइज, कि यानी हम कहते हैं कि हाँ, हमारी जो जुबान दर जुबान चलती आ रही हैं कहानियाँ, उसमें डायनासोर तो नहीं है, लेकिन उसमें जो है ड्रैगन्स हैं, मतलब हर दुनिया की जगह पे कहीं ना कहीं जिन है, ऐसे बड़े बड़े सांप हैं, बड़े बड़े छुकलियाँ टाइप चीज़ें हैं जिन जो मुंह से आग उगलती हैं। तो अब वो अंदाजे हैं हमारे, हमारे पास सबूत कोई नहीं है। इसका मतलब है कि हम तो आज तक यही समझते थे कि वो हमारे जहन की इख्तरा है, हमने खुद ही सोचा कि ऐसे जानदार भी होते हैं बड़े बड़े, जो बड़े बड़े लोगों के कब्ज़े में होते हैं, बड़ी फिर हमारी फिल्में और कहानियाँ उसके ऊपर बनी, लेकिन वो सस्पेक्टेड ट्रूथ थी, कि हमें शक था कि शायद ऐसी चीज़ कोई थी, लेकिन जब फॉसिल निकल आता है तो वो शक यकीन में आ जाता है, आपको प्रूफ मिल जाता है। ये प्रूफ होते हैं उन दुनियाओं के जो कि आपसे पहले आबाद थी, पूरी मौजूद थी, बड़े हज़ारों लाखों सालों तक वो मौजूद रहीं, इंसानों के पैदा होने, होम्योसेपियंस के आने से पहले जो दुनियाएं आबाद थी, जिनका हमें शक था, उनका यकीन हमें प्रूफ मिल जाता है, उनको हम अब यकीन से देख सकते हैं, ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि मटेरियल फॉर्म में चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपकी साइंस रिसर्च भी कर सकती है। दूसरा उसका फ़ायदा ये, द एबिलिटी टू मीट आर वेरी डिस्टेंट पास एंड सी टाइम्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर अपार्ट इन वन सिंगल ग्लांस। ये देखें, अब ये बताएं कि ये 2 करोड़ साल पुराना एक जानदार था, और हम जो देख रहे हैं इसको, हम अभी ताज़ा ताज़ा पैदा हुए हैं, कि यानी ये 2 करोड़ साल पिछले का टाइम और आज जो आप देख रहे हैं, ये एक ही नज़र में आपको टाइम नज़र आ जाता है, जो कि ऐसे नहीं होता। आपके दादा के दादा अगर फौत हो गए हैं तो वो कभी आपको इसी ज़िंदगी में नज़र नहीं आएंगे, जब तक कि आप खुदा ना खास्ता उनकी कोई एविडेंस या कोई हड्डियाँ या कुछ तरह की चीज़ नहीं निकालते। ठीक है, 2 करोड़ साल पहले की ज़िंदगी का सबूत और आज की ज़िंदगी का सबूत, जो आप गोश पोश में, आपका दिल धड़क रहा है, आप कायम हैं, आपको एक नज़र में नज़र आ जाता है। अब अगर आप सोचें तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी मिसाल ये है कि ये देखें, पिछली ज़िंदगी 2 करोड़ साल पिछली, पहले का टाइम और आज का टाइम एक ही फ्रेम में, एक ही नज़र में आपको नज़र आ रहा है। तो ये इंसान देखने को, ये आप उसको डिसमिस कर सकते हैं कि इसमें क्या खूबसूरती है, लेकिन जब आप इसको महसूस करते हैं कि ये एक इंसान के लिए तो एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन ये इंसानियत के लिए भी एक ऐसी चीज़ है कि हमारे सोच में
ये चीज़ एम्बेड हो जाती है और हमारी सोच वसी हो जाती है, कि यानी हम अपनी वही बात जो छोटी डबिया से निकल के आप बड़े बॉक्स में आते हैं, आपकी सोच की में वुस्सत आती है और उस वुस्सत आने की वजह से बहुत सारी और सोचें सोचने के आप काबिल होते हैं, बहुत सारी और बातें कहने के, बहुत सारी और चीज़ें क्रिएट करने के काबिल होते हैं। तो जब भी कोई ऐसा वाकया हो जो कि इंसानी सोच को बड़ा करे, आप उसको यकीनन खूबसूरत कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ाता है और वो आपके लिए एक कदम, इंसानियत के लिए एक कदम आगे होता है। अब आगे ये कुछ वीडियोस हैं जो कि मैंने कनेक्ट कर दी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।